हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग और स्वागत है आपका मेरे कौन है एपिसोड में। और आज हम फिर से एक बार खेलने वाले हैं ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर। और आज हम काफ़ी सारा काम करने वाले हैं रिगार्डिंग अपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप के। तो मैं चल के मैं ऊपर की साइड दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ हमने मॉनिटर्स रखे थे, एक टीवी रखा हुआ है और कुछ टेबल्स लगाए थे इलेक्ट्रॉनिक के। पर अभी हमें और भी सामान लगा के आना है। और यहाँ पे ना एक चीज़ और है कि हमारे ना दो मॉनिटर बिक चुके हैं, उनके अच्छे खासे पैसे मिले हैं हमें, पर अभी के लिए बहुत सारा काम करना बाकी है। तो मेरे को देखो यहाँ पहले तो टेबल्स लगाने, क्योंकि मैं ना भाई डिब्बे टाइप में इन टेबल्स का बनाने वाला हूँ। इस पर लगाएंगे हम अलग अलग तरह के टीवी मॉनिटर्स जो भी है। मतलब हमारे पास दो मॉनिटर्स हैं, एक ब्लैक मॉनिटर्स है, एक गोल्ड मॉनिटर है, और एक है हमारे पास टीवी जो कि हमने लगाने हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे वो सेटल करता हूँ, फिर इसके बाद सेल्फ लेने चलते हैं हम यहाँ पे भाई। पूरी तरह से ना मतलब इसे अच्छी तरह बना देंगे, फिर जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेने, तो वो लगाएंगे। तो चलो मैं इसको जल्दी से लगा देता हूँ सारे टेबल्स को। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने टेबल्स काफ़ी सारे लगा दिए हैं। देखो जितने मेरे पास पिछले वाले एपिसोड में बचे थे वो सारे के सारे टेबल्स लग चुके हैं। और अभी के लिए मेरे पास देखो कुछ सेल्फ्स पड़े हैं, वो भी लगाने हैं मेरे को। तो चलो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। बट ये एक साइड का सेल्फ है और मेरे पास साइड से हमारी शॉप में, मतलब हमारी शॉप पे नहीं, जो फर्नीचर शॉप है उधर ना दो साइड के टेबल्स हैं और मेरे पास साइड से एक ही साइड का ये टेबल नहीं, मतलब ये क्या हो सेल्फ बोलते हैं, एक साइड का सेल्फ है और वहाँ पे दो साइड के सेल्फ पड़े हैं। तो चलो वो भी लेके आते हैं। और काफ़ी सारे हम टेबल्स भी लाएंगे और सेल्फ भी लाएंगे, जिससे कि हमारी शॉप थोड़ी भरी भरी लगे ऊपर वाली। और चलो ठीक है, अभी मैं बैंक से ना लेने जा रहा हूँ लोन $1000 का। पता है मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं पर अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो ठीक है, जितने भी मिल रहे हैं उतने पैसे हम ले लेते हैं। तो $1000 का लोन लेते हैं इन भाई साहब से। तो चलो अब लेके चलते हैं अपनी फरारी को, फरारी लैम्बोर्गिनी जो मर्जी समझो इसे। तो इसे लेके चलने वाले हैं अभी हम फर्नीचर शॉप पे और वहाँ चल के देखते हैं कि भाई फर्नीचर में कोई अपडेट है या नहीं। एक तो ट्रेडर लाइफ वाले भी कोई अपडेट नहीं देते, पर कोई बात नहीं, अभी तुम मेरे को कमेंट करके बता सकते हो हमें और किस किस चीज़ में ट्रेडर में एपिसोड बनाना चाहिए। तो ठीक है, हमें काफ़ी कुछ करना है अभी ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर में। पर उसके बाद मेरे को तुम अभी गेम भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में जाके कि कौन सी गेम ट्रेडर लाइफ की जैसी है जो कि तुमने खेली हो। तो चलो यहाँ से मैं राइट मुड़ता हूँ, राइट ही है, हाँ ठीक है सही बोला मैंने, राइट मुड़ता हूँ। और क्या चलते हैं फर्नीचर शॉप से, इस फर्नीचर से लेते हैं कुछ फर्नीचर चाहिए हमें जो कि बहुत ज़्यादा सही लगेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक शॉप। और उसमें भाई काम भी काफ़ी बचा हुआ है, जैसे कि मॉनिटर से तो लगाने हैं और फ्रिज भी लेके चलना है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉनिक का सामान है मैं सोच रहा हूँ सारा निकाल लूँ उसकी दुकान से, पर टाइम तो लगेगा और उससे बड़ी दुकान किसकी होगी, हमारी। तो चलो यहाँ पे मैं इधर पे लगाता हूँ अपनी गाड़ी को और ये फर्नीचर शॉप भी आ चुकी है। तो ठीक है, यहाँ से जल्दी से उतरो, अंदर की साइड चलते हैं। यहाँ पे मेरे को टेबल्स लेने हैं कुछ और सेल्फ लेने हैं। तो चलो मैं सेल्फ देता हूँ और देखता हूँ कौन सी साइड के हैं। मैंने एक डबल साइडेड सेल्फ बोले थे ना, इनकी ही बात कर रहा था मैं। ये वाले सेल्फ काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब दोनों साइड से हैं, थोड़े बहुत महंगे $750 के, बट ठीक है इनका प्राइस और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सही है। और यहाँ से मेरे को टेबल्स लेने हैं, यहाँ पे 10 टेबल्स बहुत होंगे मेरे हिसाब से अभी। तो ठीक है 10 टेबल्स ले लेता हूँ मैं। ये लगाने इलेक्ट्रिकल पे जो जो मॉनिटर्स हैं ना उन पे, क्योंकि यार देखो उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है मॉनिटर्स और टीवी की, जो कि मैं अपने सेल्फ में रखूँगा ना, तो ऊपर की साइड से तुमने देखा ही होगा पिछले वाले एपिसोड में क्या दिख रहा था। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारा जो मॉनिटर है वो अजीब सा लगे, मतलब इलेक्ट्रिकल रूम हमारा। तो चलो अभी यहाँ से निकलता हूँ और यहाँ से चलने के बाद आज मैं इससे पैसे बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, बाद में लेंगे कभी पैसे, अभी के लिए हम चलने वाले हैं शॉप पर अपनी। तो ठीक है गाइस, फाइनली अपनी शॉप पर हम आ चुके हैं, मतलब थोड़ी सी दूर है वो, सामने की तरफ तुम्हें दिख गया ना, वही है अपनी शॉप। तो चलो यहाँ पे मैं लगाता हूँ इसको अपनी गाड़ी को, फरारी को, और यहीं पे खड़ाते हैं अभी के लिए। मैं चलता हूँ जल्दी से अंदर की साइड और यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पिज़्ज़ास ख़त्म नहीं हुए, रेटिंग मेरे को देख लेनी चाहिए ना एक बारी, दो मीटर को। अपने फ़ोन को ऑन करता हूँ, रेटिंग अच्छी खासी है और कंप्लेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही है। तो ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ ऊपर और यहाँ पे भी टेबल्स लगाने हैं कुछ, उनका काम स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, टेबल्स के बाद फिर सेल्फ लगाएंगे अभी हम। तो ठीक है, इन टेबल्स को मैं जल्दी से लगाता हूँ और फिर देखते हैं, थोड़ा बहुत हमारा इलेक्ट्रॉनिक रूम सही हो जाएगा, भरा भरा सा भी लगेगा। तो ठीक है, मैं जल्दी से टेबल लगा लेता हूँ। ठीक है गाइस, फाइनली हमने सारे के सारे टेबल्स लगा लिए हैं और इनके ऊपर मैं अच्छा खासा भाग भी सकता हूँ, और एक तरह से ट्रैक समझो मेरा भागने के लिए, बटाए सामान रखने के लिए।
तो ठीक है। और यहाँ गोल वाला टेबल छोड़ो, अभी गोल वाला टेबल यहाँ नहीं लगाना हमने। तो यहाँ पे देखो गोल्ड हमारे मॉनिटर्स बचे हुए हैं, और जो कि सेल अभी एक ही साइड का हुआ है, ज़्यादा सेल हुए नहीं, दो पहले हो चुके थे, अभी एक और सेल हुआ है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी ना मैं सेल्फ लगाता हूँ यहाँ पे, हमारे सेल्फ में लेके, तो ये रहा भाई मिडल सेल्फ, तो यही लगाना है अभी हमें। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं इसके पास नहीं, नहीं है बीच में ठीक लगेगा, इन्हें थोड़ा बहुत गैप में लगाऊंगा, इतने ज़्यादा मैंने सेल्फ लगाने नहीं है वैसे। तो चलो अभी मेरा जितने सेल्फ हैं उनका तो यूज़ अच्छी तरह करना ही है हमने। तो सेल्फ कहाँ गए इस टाइम भाई, मिडल सेल्फ हो रहे, तो दो मिनट रुको, नीचे की साइड आऊँ। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारा सामान पड़ा है, बट कोई बात नहीं, तो इनको मैं लगाता हूँ अरे मिडल सेल्फ ये सेलेक्ट नहीं होते यार। तो ठीक है, यहाँ पे मिडल सेल्फ हो चुके हैं सेलेक्ट, अभी के लिए मैं यहाँ पे इनको लगा देता हूँ। तो ठीक है, टर्न हो चुका है इनका काम। एक और मेरे को लगाना है मिडल सेल्फ, तो ठीक है इसको भी हम जल्दी से लगाते हैं। डन डन डन, ठीक हो चुका है यहाँ का, अरे थोड़ा सा लग जा, राइट लग चुका है पूरी तरह से। बस मेरे को अब थोड़ा और लगाना है, एक यहाँ पे खाली लग रहा है, थोड़ा एक और लगा देता हूँ अभी। तो ठीक है, मैं पता नहीं कितने सेल्फ लेके आया था, पर ठीक है। और यहाँ मैंने शायद से तीन सेल्फ लगा दिए, एक साइड मैंने तीन लगाए, तो तीन तीन ही लगेंगे उस साइड भी। तो ठीक है, अभी इसको मैं सेट करता हूँ। यहाँ पे मैंने शायद से तीन नहीं चार लगा दिए हैं यार मैंने, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी देख लेंगे। मेरे पास पांच सेल्फ बचे हुए हैं, मेरे हिसाब से मैं कितने सेल्फ लेके आया था, नौ सेल्फ लेके आया था ये मिडल वाले। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं इस वाले सेल्फ को टेढ़ा नहीं लगाना, मैं उसकी मतलब पोजीशन देख रहा हूँ यार वो है किस साइड। तो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। टर्न यहाँ पे बराबर में ही ऐसा ऐसे मेरे को जहाँ तक लगता है, तुम तो मेरे को कमेंट में जाके बता सकते हो कि भाई तुम्हें सही लग रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ वाला ये वाला सेल्फ भी मैं लगा लेता हूँ यहीं पे। तो थोड़ा बहुत इसमें भाई ये थोड़ा बहुत हिल जाता है, जिसके कारण ये लगता नहीं है परफेक्ट तरीके से। तो ठीक है, यहाँ पे ये लग चुका है, यहाँ पे ये वाला लगाना है अभी सेल्फ थोड़ा सा ठीक। अरे भाई हिलता क्यों है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ सही लग चुका है, और यहाँ पे दोनों के दोनों सेल्फ सही लग रहे हैं मेरे हिसाब से। बाकी तुम सब मेरे को कमेंट में चाह के बताना तुम सबको कैसा लग रहा है मेरा ये वाला सेल्फ। तो चलो अभी के लिए मेरे को यहाँ से सामान प्रोडक्ट्स लेने जाना चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मेरा पूरी तरह से बन चुका है, सेल्फ भी लग चुके हैं, टेबल्स भी लग चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पे बस मेरे को लगाने हैं टीवी। तो ठीक है, यहाँ से हम जल्दी से निकलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर चलते हैं। यहाँ पे मनी मुनी ले लेता हूँ भाई, थोड़ी बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। 42,000 रुपीज़ मेरे पास हो चुके हैं फाइनली, रुपीज़ नहीं वैसे डॉलर। तो चलो, हमारा ट्रक पीछे की साइड खड़ा होगा, वहाँ से हम ट्रक लेके जाने वाले हैं। तुम्हें बताना अपना ट्रक कितना ज़्यादा ऑसम है। तो ठीक है, यहाँ से मैं निकलता हूँ, पीछे की साइड से चलेंगे। और दो मिनट, स्क्रैच क्या ही आएगा हमारे ट्रक में, इसमें स्क्रैच क्या कुछ भी नहीं हो सकता भाई, तुम्हें पता है ना इसके ग्राफिक कैसे है। तो चलो अभी ना यहाँ से मैं निकलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, पीछे की साइड ही है, ज़्यादा दूर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, ये आ चुकी है हमारी इलेक्ट्रॉनिक शॉप, जो कि काफ़ी बड़ी है। तो ठीक है, तुम्हें पता लग रहा है ना कितनी ज़्यादा बड़ी है, इससे सही ना वैसे इलेक्ट्रॉनिक की शॉप उसमें सही है विलेज वाले मैप में। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे को प्रोडक्ट्स लेने हैं, कुछ टीवीज़ ले लेता हूँ, जो कि तुम्हें पता है $500 के अराउंड है। हाँ ठीक है, 500 की इसके इसको लो, और मेरे को मॉनिटर्स भी लेने हैं अभी। तो ठीक है, और टेबल्स के लिए मैंने इसीलिए लगाया था क्योंकि टेबल्स पे ना ये सही आ रहे हैं टीवी। तो चलो, यहाँ मैंने ये तो ले लिए हैं, अभी के लिए मेरे को इन्हें लेके चलना चाहिए, दो मिनट रुको, इनको ना मेरे को लगाना है अभी। तो ठीक है, इसको ना मैं पहले रख ही देता हूँ, इसको हटाना पड़ेगा, दो मिनट, इसको मैं ओपन करता हूँ और इनको रखता हूँ मैं पीछे रख। भाई साहब, अगर मैं इसके अंदर आ जाऊँ ना, अभी इसके अंदर ही फंस जाऊँगा मैं। तो ठीक है, यहाँ पे इसको लगाता हूँ मैं, डन। और भी बाकी जितना सामान है टीवी का सेल्फ से उसे लेके आते हैं, फिर बाकी का सामान लेंगे। तो देखो तुम्हें अब मैं टेक्निक नवी सिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक ही उठाया, इसको लेके चलो आगे की साइड। तो इसको जैसे लेके गए हम आगे लेके, तो ये हो चुका है एक, ये हो गया। तो तीन के तीन टीवी मैंने देख लिए, कैसे रख रखे हैं अपने इस पे। तो ठीक है, फाइनली चारों के चारों टीवी हमारे सेल्फ मतलब नहीं नहीं हमारी ट्रॉली पे आ चुके हैं। और देखो भाई कैसे मैं लेके जा रहा हूँ उसे, सही में कमेंट में बताना ये आइडिया सही था या नहीं। तो ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ टीवी रख लेता हूँ अपने सारे के सारे, इन्हें चल के लगाना भी है। वैसे पाँच टीवी है, इन्हें जल्दी जल्दी हम लगा देंगे। तो अभी मेरे को और भी प्रोडक्ट्स बाय करने हैं यहाँ पे। तो ठीक है, ये रहे कुछ टीवी, टीवी नहीं ये भी मॉनिटर्स हैं। अब मेरे दो मिनट रुको, हाँ मॉनिटर्स हैं ये भी, और जो गोल्ड वाले हैं वो भी मॉनिटर हैं। तो ठीक है, ये भी मॉनिटर है, ऑफिस मॉनिटर है भाई, ये वो मॉनिटर है खाली, और ये ऑफिस मॉनिटर है। बट मेरे पास देखो गोल्ड मॉनिटर काफ़ी थे, तो मैं इस टाइम ना मॉनिटर ले रहा हूँ बस, ऑफिस मॉनिटर नहीं ले रहा, ऑफिस मॉनिटर वो वाले हैं जिसमें गोल्ड लगा है। तो चलो अभी ना मैं इसको लेके चलता हूँ यहाँ पे, और अपने ना शॉप में मतलब अपने इस कार्ट में रखता हूँ जल्दी से, ट्रक में यार, ट्रक है कार्ट नहीं है। मेरे को सही में बक्सों की बड़ी याद आ जाती है।
तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ जल्दी जल्दी। अभी मेरे को और भी सामान लेना है, लाइक कि भाई फ्रिज भी लेके जाना है, और भी जितना सामान है वो सब लेके जाऊँगा यहाँ से। तो चलो अभी ना मैंने काफ़ी सामान ले लिया है। यहाँ बैठना नहीं था भाई, अभी एक मॉनिटर रहता है और इसकी ट्रॉली तो रहती ही रहती है। तो ठीक है अभी ना मैं यहाँ पर रखता हूँ और एक बॉक्स लेके आता हूँ यहाँ पे 2 मीटर को। इसको भी ट्रॉली पे लेके ही चलते हैं जब आए हैं ट्रॉली को लेके। चलो अभी ना मैं यहाँ पे और भी कुछ प्रोडक्ट्स लेके चलता हूँ क्योंकि एक प्रोडक्ट ठीक नहीं है। तो यहाँ लैपटॉप्स पड़े हैं काफ़ी सारे ब्लू कलर के, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक लैपटॉप ले ही लेते हैं हम। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक लैपटॉप अपने ऑफिस में भी रख लेंगे। ऐसा मेरे को पता है चलते नहीं है, पर कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, देखने में थोड़े बहुत अच्छे लगेंगे। और यहाँ मोबाइल्स पड़े हैं तो इन्हें भी ले ही लेते हैं हम। ठीक है डन, यहाँ पे इनको लेके चलते हैं हम। यहाँ पे रखो तो अभी के हिसाब से मेरे लिए बहुत होंगे इतने प्रोडक्ट। तो ठीक है लैपटॉप्स ले लिए मैंने, कुछ मॉनिटर्स हैं और हाँ, और मेरे पास मोबाइल्स भी हैं जो कि हमारे शॉप्स में होंगे। और अभी ना मैं आके थोड़ा बहुत और सामान लेने वाला हूँ, इतना बहुत नहीं है कि मेरे को ले लेना चाहिए। 2 मीटर को यहाँ से मैं इसको ले कर चलता हूँ यहाँ पे। अभी ना मैं कुछ और प्रोडक्ट्स ले ही लेता हूँ, जैसे कि यहाँ कीबोर्ड्स पड़े हैं, हेडफोन्स पड़े हैं, ऊपर के साइड प्रिंटर्स भी हैं, इन्हें भी ले कर चलते हैं। प्रिंटर्स भी काफ़ी काम के हैं। ठीक है यहाँ पर मैंने प्रिंटर्स बाय कर लिए हैं। उसमें देखो प्रिंटर ना काफ़ी दो ही हैं इसमें, वैसे तो 4 बहुत होंगे मेरे हिसाब से प्रिंटर हमारे शॉप में। अगर सेल ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे तो हम सेल कर देंगे। तो ठीक है यहाँ पे और भी सामान है जो कि मुझे ले लेना चाहिए, लाइक जैसे कीबोर्ड। और क्या लेना चाहिए, कीबोर्ड पड़ा है और यहाँ पे सीपीयू पड़ा है। सीपीयू तो शायद ले लूँ या रहने दूँ, छोड़ो छोड़ो आके देखते हैं, जब हम फ्रिज लेने आएंगे तो देखेंगे इसे। अभी के लिए मुझे और क्या लेना चाहिए, चलो छोड़ो। अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ से निकलूँ, या फिर इनके तो हाई प्राइजिस चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है यहाँ से कीबोर्ड मैं बाय कर ही लेता हूँ, आया हूँ तो यहाँ से भी कीबोर्ड ले ही लेता हूँ। और भी बाकी का सामान ले लेते हैं, चलो और भी बाकी का। मैं सोच रहा था क्यों ना थोड़ा बहुत ही सामान ले, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे आए हैं तो और भी माउस हो गया जैसे कि। और क्या लेना रह गया हमारा, माउस ले लिया हमने, माउस पैड है यहाँ पे, तो चलो माउस पैड भी ले ही लेते हैं। स्पेस काफ़ी ज़्यादा बच नहीं रहा इस बॉक्सेस पे, बट कोई बात नहीं, हम स्पेस बना लेंगे, हमारे पास टेक्निक है स्पेस बनाने की। तो यहाँ पे फ़ोन्स हैं, ये चाहिए नहीं मुझे। ठीक है हेडफोन्स ले लेते हैं अभी, कैलकुलेटर और फ़ोन्स अभी मुझे चाहिए नहीं। तो चलो अभी मैंने काफ़ी कुछ ले लिया है वैसे देखा जाए तो, बाकी यहाँ स्पीकर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंटर्स मैंने ले लिए हैं और ये सब मैंने लेने नहीं हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ ले लिया है, बाकी इन सबको अभी के लिए छोड़ते हैं यहीं पे। और अभी के लिए जितना सामान लिया है उतना ही लेके चलते हैं। हाँ हमने प्ले स्टेशन ये सब नहीं लिया, इन्हें हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए छोड़ो, अभी क्या करना है इन्हें लेके। तो ठीक है यहाँ पर मैं इनको लगता हूँ, जल्दी जल्दी इन सामान को रख लेता हूँ मैं। तो ठीक है ये आ गया यहाँ पे। मैं देखो यार ऊपर ना उसे ला नहीं सकता ट्रॉली को, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ही नहीं बचा ट्रॉली के लायक, ठीक है कि मैं अंदर जा सकूँ। तो चलो कोई बात नहीं, 2 ही बॉक्सेस रह गए ना, इन्हें रखना है। तो ठीक है यहाँ पे मेरा ना पूरा का पूरा भाई पूरा भर चुका है, एक चीज़ देखी जाए ना पूरा फुल हो चुका है मेरा यहाँ ट्रक। तो चलो अभी मैं बैठ के यहाँ से निकलता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है और यहाँ पे क्या है, फार्म रनिंग कोस्ट भाई 600 कुछ डॉलर्स ऐसे उन्होंने कमाए, इतने ही था शायद से कि मैंने गलत देखा, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ से मैं जल्दी से निकलता हूँ, 2 मिनट रुको, यहाँ पे मैं पत्तों में लड़ चुका हूँ भाई। तो ठीक है ट्रक, तुम मेरे को बताओ गाड़ी चलाना काफ़ी ज़्यादा सही लगता है तुम सबको या नहीं? बाकी मुझे तो सही लगता है इसमें गाड़ी चलाना भी, और मैं सोचता हूँ वीडियो में गाड़ी ज़्यादा कर दिखाऊँ, क्योंकि मज़ा आता है यार गाड़ी चलाने और दिखाने में दोनों। तो ठीक है यहाँ पे मैं आ चुका हूँ फाइनली अपनी शॉप पर। शॉप एक तो ज़्यादा दूर है नहीं, इतने शॉर्टकट्स हैं इसमें तो इसलिए हमें दूर नहीं पड़ती है शॉप। तो 2 मिनट रुको, यहाँ मेरे को ना पीछे को लगानी है अपनी गाड़ी। तो ठीक है यहाँ पे टर्न, यहाँ सही जा रही है हमारी गाड़ी वैसे, तो पीछे देख के भाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है लगाना, क्योंकि ट्रक की टक्कर भी हो सकती है। और ये बॉक्स कहाँ से साइड से निकल रहा है, 2 मिनट मेरे को ना ट्रक का, हाँ ठीक है मैं फ्रंट साइड नहीं देख रहा था ना, बैक साइड देख रहा था, तो मेरे को यहाँ से ना ठीक करना था। तो चलो यहाँ से ना मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे अपने पास पड़ा है ये जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और उसको मैं लगा सकता हूँ, अपना सारा का सारा सामान इसमें रखेंगे 2 मिनट को। डन डन डन, सारा आ चुका है, इसको थोड़ा नीचे रखता हूँ पहले मैं। तो ठीक है इसको नीचे रखो, और अभी जितना सामान आ रहा ना इन सबको हम पैक करते हैं और लेके पेटी पैक करके चलते हैं। 2 मिनट, यहाँ पे सारा सामान आ चुका है ना, कुछ रह चुका है मेरे, वैसे कुछ टीवीज वहाँ पड़े हुए हैं, बट कोई बात नहीं, हम सेकंड बारी में ना सारा का सारा सामान प्रोडक्ट सब ले आएंगे वैसे। तो चलो अभी ना मेरे को यहाँ लगाने, इसमें क्या है, इसमें मोनीटर्स पड़े हैं जो कि मैं फ्रंट साइड लगा सकता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ सही लगेगा वैसे मॉनिटर, तो ये लगाते हैं यहाँ पे। और तुम क्या कहते हो, मेरे को एक मॉनिटर का सेटअप बनाना चाहिए या नहीं? मेरे को पता है वो चलेगा नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। तो
तो चलो यहाँ पे मैं जल्दी से लगाता हूँ इसे, और मैं वैसे इंटरनेट शॉप भी बना सकता हूँ वैसे देखा जाए यहाँ पे काफ़ी सारा वो लगा के। तो ठीक है, हमारा टारगेट एक यही रहेगा कि हम अपनी शॉप को इंटरनेट शॉप कैसे बनाएं। तो बना के पर फालतू में सेल होएगा वैसे सामान, कोई बात नहीं सेल हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, बट लगेगा कैसे वो मैं सोच रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ, जल्दी जल्दी इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। चेयर्स पर मेरे पास है नहीं यार, वैसे गेमिंग वाली चेयर्स इसमें होती ना और ज़्यादा मज़ा आता। तो ठीक है, यहाँ पे जितने प्रोडक्ट्स हैं मेरे को इनको लगाना है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, तो मैं जल्दी जल्दी इनको लगा लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मेरे को कमेंट में बता देना कि तुम सबको ये जो मैं प्रोडक्ट्स रखता हूँ इन्हें देखने में सही लगता है या मैं इनको स्किप कर दे करूँ। अभी तो मैं स्किप कर दे रहा हूँ इन्हें, बाकी तुम मेरे को कमेंट में बता देना। तो ठीक है गाइस, फाइनली मैंने सारा का सारा सामान रख लिया है, टीवी भी हो गया, मॉनिटर्स भी हो गए, लैपटॉप, जितना भी सामान मैं लेके आया था सारा, और जो ट्रक में हमारे बचा था ना वो भी। तो चलो, और यहाँ पे मैं थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट कर लेता हूँ, $33,000 मेरे पास पड़े हुए हैं अभी। तो ठीक है, अभी ना मैं यहाँ से निकलता हूँ, अभी के लिए मेरे को जाना है फ्रिज और एक क्या था, वॉशिंग मशीन था, नहीं 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 मेरे हिसाब से वो ना गैस है, स्टोव है एक तरह का। तो चलो, मेरे को तुम सब कमेंट में बताना वो क्या चीज़ है, मैं चल के तुम्हें एक बार ही दिखा देता हूँ। हाँ, तुम्हें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, हम एक और कम्युनिटी पोस्ट डाल रहे हैं यहाँ पे, तो कि तुम मेरे को बता सकते हो तुम्हारा कौन सा फेवरेट रेसलर है WWE में, जिससे कि हम एक और एपिसोड लेके आएंगे जिसमें कि हम फाइट करा सकें उन सब की, और देखेंगे कौन जीतता है। तो मेरे को, मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, तुम सब मेरे को कमेंट में जाके बता देना कम्युनिटी पोस्ट के। तो चलो, यहाँ पे मेरे को ये लेना था, इसे ओवन कहते हैं गाइज, मैं फालतू में देख रहा था, तो चलो इसे ओवन कहता था। ठीक है, मैंने इसे दो ले लिया, दो फ्रिज ले लेते हैं, और मैंने गलती से हाई फ्रिज बाय कर लिया है 1750 का, और मैं 1500 का इसे बेच सकता हूँ करंट। तो कोई बात नहीं, अभी जितना खर्चा हो चुका है हम वसूल लेंगे, तो थोड़ा बहुत हमारे नुकसान हो सकता है फ्रिज के कारण। वैसे फ्रिज के कारण क्या, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके हमने प्राइस काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, बट ठीक है, बिजनेस मैन बनना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए भाई पैसा तो लगता ही है। तो चलो, और मेरी ट्रॉली गायब होगी भाई इस साइड, कोई बात नहीं, यहाँ से हम इसको भी लेके चलेंगे, ये ट्रॉली कैसे नहीं आएगी, पर यहाँ स्पेस ही नहीं बचा हुआ, दो मिनट रुको, इसको मेरे को पीछे लेके आना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पे स्पेस बच चुका है, इस बार नहीं मैं चाहता कि ट्रक मेरा थोड़ा ना टेढ़ा खड़ा है मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ। तो चलो, अरे ट्रक में नहीं बैठना भाई, फ्रिज बचा हुआ है अभी। तो ठीक है, एक फ्रिज बचा हुआ है, इनकी ट्रॉली भी नहीं लेके जानी यार, मैं फालतू में इनकी ट्रॉली लेके आ चुका हूँ, इनकी ट्रॉली इनके दुकान में रखते हैं, और हम दोबारा से अपनी शॉप पर चलते हैं सामान लगाने के लिए। तो ठीक है, इनकी ट्रॉली इनकी शॉप में रखो, और कोई मेरे को प्रोडक्ट अभी बाय करना चाहिए या नहीं, दो मिनट, CPU रह चुका था ना, CPU भी ले चलता हूँ, करंट प्राइस का 900 है, $933, बट इसका ओरिजिनल प्राइस जो हम सेल कर सकते हैं वो $1000 है। पर ठीक है, मैंने अभी एक ही बॉक्स लिया है, जब इसको सेल करके देखेंगे तो कितने का जाएगा वो देखेंगे इस टाइम। और तुम सब मेरे को पता है कमेंट में बताने वाले हो कि भाई आपका ना बैक साइड का डोर ओपन रह चुका था ट्रक का, बट कोई बात नहीं, हमने जानबूझ के करा, इतना टाइम कौन लगा यार, वहाँ चल के खोले, ओपन करे उसे, फिर सामान बाहर निकाले, हम सीधा ही, डोर तो ओपन रहेगा ही, हम सीधा ही ओपन कर लेंगे। और यहाँ से भी मैं कितनी जल्दी पहुँच गया भाई, मतलब कि रास्ता काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट में है, और यहाँ मेरी शॉप भी बंद नहीं हुई ऑटोमेटिकली। तो ठीक है, और मेरे को पता है लैपटॉप से वो ऑटो शॉप को मैं ओपन कर सकता हूँ और क्लोज भी कर सकता हूँ, पर अभी मैंने लगाया नहीं है, कोई बात नहीं, उसको मैं टिक लगा दूंगा जिससे कि हमारी शॉप ओपन, मतलब ऑटो ओपन हो जाए सुबेरे 7 बजे और रात के 8 बजे अपने आप क्लोज हो जाए। देखो, क्लोज हो जाएगी और हमारे जो वर्कर्स हैं वो अपने आप ही चले जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मैं ये वाला प्रोडक्ट लेके चलता हूँ, अभी एक ट्रॉली लेके आनी थी मेरे को, दो मिनट रुको, इस ट्रॉली को ना मैं साथ ही लेके चलता हूँ। यहाँ फ्रिज है, फ्रिज को थोड़ा बहुत ऐसे रख सकता हूँ मैं, फ्रिज ही लेके चलते हैं, एक फ्रिज था वैसे, मैंने फालतू में इसको ट्रॉली पे रखा, इससे अच्छा तो मैं हाथ में ही ले आता भाई से। तो चलो, इसको मैं जल्दी से यहाँ पे लगाता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे को यहाँ प्लेस करना है इसे, तो यहाँ पे मैं इसको प्लेस करता हूँ, डन। और भी सामान है जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी लेके आते हैं हम, तो इसको मेरे को लगाना था ना, दो मिनट रुको, पहले ना मैं यहाँ से ओवन भी ले लेता हूँ, सुबह का टाइम भी हो चुका है, सुबह के 5 बज चुके हैं मुझे काम करते करते, ओ भाई कितना ज़्यादा टाइम हो गया। और मैंने क्या करा कि इस पे ही फ्रिज भी रख लिया और ओवन्स भी इस पे ही रख लिए, काफ़ी तेज़ है मेरा दिमाग वैसे। तो चलो, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो इस पे इसको यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया है, दो मिनट रुको, यहाँ पे मेरे को लगाना है ना, तो ठीक है, इसको इसमें क्या था, हाँ CPU थे ना, इसमें CPU भी लगाने मेरे को, दो मिनट रुको, पहले ना मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, थोड़ा सा दिख रहा है मेरे को, बट अरे ये मेरे को दिख नहीं रहा अटैच होता हुआ, भाई साहब ये हाथ में उठा रखा है, इस करके ना मेरे को ये अच्छी तरह दिख नहीं रहा है।
बट कोई बात नहीं, ये तो मेरे को दिखेगा, मुझे लग ही रहा था ये तो मेरे को दिखेगा ही। तो चलो मैं इसको लगाता हूँ, डन। यहाँ पे सारा काम कंप्लीट होने वाला है हमारा। हमारी शॉप में प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हो चुके हैं, कुछ आइटम्स हैं जो कि मेरे से छूट गए होंगे, बट ठीक है कुछ आइटम्स हमारे पास हैंगे। तो चलो इसको लगाता हूँ मैं चल के, इसको मेरे को इसके ऊपर रखना है। थोड़ा बहुत गैप भी है पीछे की साइड पर, कोई बात नहीं, अभी गैप होने से कुछ नहीं होता। हमारा एक बार सेल हो जाए ये सामान तो सारा काम अपना बन जाएगा। और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स और हैं जो कि मेरे को रखना है, तो इनको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे। और उसको सीपीयू को मेरे को लगाना है, बट अगर मैं नीचे की साइड लगाऊँगा तो इसका अपर साइड भाई क्या छुपा रहेगा यार, इसका अपर साइड। तो मेरे हिसाब से इसको मेरे को टॉप पे रख लेना चाहिए, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा और ऊपर से इसका ना वो भी उसमें आएगा नहीं। तो चलो इसको ना मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ फाइनली, पर सीधा करके काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा यार, ऐसे लगाना चाहिए मुझे, ना कि उल्टा इसे लगाना चाहिए। कोई बात नहीं, इसको मैं दोनों को ऐसे लगाता हूँ, 2 मिनट रुको। और यहाँ पे लाइट भी जा चुकी है क्योंकि मेरे को बैंक जाना पड़ेगा। ठीक है, मेरा इलेक्ट्रिकल शॉप पूरी की पूरी रेडी हो चुकी है। वीज़ा कार्ड में मेरे पैसे नहीं पड़े, मतलब $72 हैं, तो मेरे को उसमें पैसे भी डालने पड़ेंगे अभी चल के। तो चलो मैं ना अभी चल के यहाँ से पैसे डाल लेता हूँ, नहीं तो हमारी शॉप में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कस्टमर काफ़ी ज़्यादा हमारी रेटिंग गिराएंगे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे को $5,000 मैं वॉलेट से अभी ना बैंक में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। हाँ, ट्रांसफ़र करने के बाद कुछ नहीं, $5,000 ही ना मैं अपने ATM में डाल लेता हूँ। 2 मिनट रुको, यहाँ से ना मैं इसमें डाल लेता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बैंक में भी पैसे रहने दूँ, $2,000 है। तो चलो भी मैंने यहाँ पे रख दिया। और ये देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा ट्रेन ट्रेन की आवाज़ आने में लगी है। इनका मैंने लोन भी दे दिया है और मैं भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुका हूँ क्योंकि मैंने रात भर काम करा, कुछ खाया नहीं, और खाया तो है नहीं बिल्कुल भी, और भाई कुछ करके भी नहीं आया, मतलब तुम हल्का हल्का भी नहीं हुआ मैं तो। ठीक है, तो अभी ना मैं पहले खाना वाना खाता हूँ। ये सब चीज़ इसको ना एक साथ ही लग चुकी है भाई साहब, क्या बोलें इसको, बट कोई बात नहीं, इतना काम कराया रात भर जाग के तो इतना तो बनता है। अब चलना है, इसमें सोना है। तो ठीक है, इसका पेट फुल हो चुका है फाइनली। अपनी शॉप से थोड़ा खाता होता ना भाई, अभी तक तो मोटा हो चुका होता हमारा बंदा, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे अपना वॉशरूम ओपन करते हैं और यहाँ से चलते हैं। नो कस्टमर्स कह रहे हैं कि हमारी शॉप में वाटर मेलन नहीं है, बट कोई बात नहीं, वाटर मेलन भी आ जाएगा जल्दी, हम लेके आएंगे। और यहाँ डोर अपने आप कैसे क्लोज हो रहा है भाई, वैसे डोर मैंने लगाया ही था क्लोज होने के लिए। तो चलो गाइस, ये रही मेरी इलेक्ट्रिकल शॉप जो कि मेरी पूरी हो चुकी है। और अपना ये जो भाई ट्रॉली है इसको रखना है, और इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। आई होप आप सबको ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर तुम्हें लाल वाला बटन दिख रहा ना तो उसे जल्दी से जल्दी काला कर दो। और हाँ भाई, कमेंट नहीं कर रहा ना, कमेंट भी जरूर से ज़रूर कर देना, लाइक और कमेंट, ये जब आती है ना चीज़ें भाई, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है दिल को। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।